हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अगर क्राफ्ट चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पेलवेट के कपड़े से कोटी बनाना बताएंगे कि किस तरह से कोटी बनाई जाती है। तो देखिए, मैंने पेलवेट का कपड़ा लिया है, इधर से उल्टा है, इधर से सीधा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगी। तो चलिए, इसकी लंबाई चौड़ाई बताती हूँ कि ये कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई इसकी 5.5-6 इंच है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, इसको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम उल्टे कपड़े पर ही हमेशा निशान लगाते हैं, क्योंकि उल्टी साइड से ही सिला जाता है, इसलिए हमें उल्टी साइड पर ही निशान लगाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सेंटर में निशान लगाना है। सेंटर के लिए इंची टेप से आप नाप सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करके भी सेंटर पे निशान लगा सकते हैं। तो देखिए, अब इधर से हम 1.25 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इधर भी हम 1.25 इंची का निशान लगाएंगे। अब हमें गहराई 1.5 इंची की रखनी है बाजू की। इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। इसी तरह से इधर लगा लेंगे हम। ये हमारे बाजू के निशान लगे। अब हमें इन दोनों को सीधा मिला देंगे। इधर से भी इसी तरह मिलाएंगे। सेंटर को भी हम इस तरह मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं, इसमें गोलाई दे देंगे बाजुओं में हम इस तरह से। तो देखिए, अब इसको सिल के बताऊंगी मैं। सबसे पहले सिलाई लगाते हैं हम इस तरह से, उसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी। या पहले कटिंग कर सकते हैं आप, बाद में सिलाई लगा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी पहले इसको कट कर लेती हूँ। जो हमने निशान लगाया है उससे थोड़ा दूर होके हमें इस तरह से काटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों तरफ से काट दिया है। अब हमें इसको सीधा करना है और दोनों तरफ से बाजुओं पे से इस तरह से सिलाई लगानी है दोनों तरफ। तो देखिए, मैं सिलाई लगा के फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा ली है। अब हमें साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए, दोनों तरफ सिलाई लगा के फिर आपको बताती हूँ। तो चलिए, मैं सिलाई लगा के बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड में सिलाई लगा ली। इसी तरह से मैं इधर लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें बीच सेंटर में होकर कटिंग करनी है। तो देखिए, ऊपर वाला कपड़ा है इसी को काटना है, नीचे वाले कपड़े को हमें नहीं काटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं सीधा करके बताता हूँ। इस तरह से सीधा करेंगे इसको। ये हमारी बाजू पूरी ढक जाया करेंगी लड्डू गोपाल जी की। तो देखिए, इस तरह से इस कोटी की थोड़ी फिटिंग आ रही है।
ये वेलवेट का कपड़ा है थोड़ा, इसीलिए बार बार फोल्ड हो जाता है। देखिए इस तरह से अब हमें इस पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग चाहे इसी कपड़े से लगा सकते हैं या फिर दूसरे भी कपड़े से लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए इस पर पाइपिंग लगाना बताती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने पाइपिंग के लिए ये कपड़ा लिया है, तो देखिए ये 1/4 इंची का कपड़ा है हमारा। तो इसको हम पाइपिंग लगाने के लिए किस तरह से रखेंगे, सीधी साइड पर रखना है हमें और कपड़े को उल्टा रखना है। इस तरह से रखेंगे और पूरे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और हमारी इस तरह से पाइपिंग बन जाएगी। तो देखिए मैं सिल के बताती हूँ आपको। तो देखिए इस पर सिलाई लगा के बताती हूँ। तो चलिए इसी तरह पूरी पे सिलाई करके फिर बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है इस तरह से, और इस पर यहाँ पर होके सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा के बताती हूँ आपको। तो चलिए इसी तरह से पूरे पे सिलाई लगा के बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पाइपिंग लग गई है ये इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमें नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कोटी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कोटी को बनाया जाता है, चाहे तो आप मैं पहना के भी दिखा सकती हूँ। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ किस तरह से लगती है ये और किस तरह से पहनाते हैं इसको। तो इसका घेरा चाहे तो आप मैचिंग का इसी कलर से बना सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे कलर से भी घेरा बना सकते हैं। तो चलिए मैंने केवल वीडियो कोटी की बनाई है, घेरा की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी मैं। तो चलिए पहना के दिखाती हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो कोटी थोड़ी बड़ी बैठेगी क्योंकि कोटी का साइज मैंने 4-5 के लिए बनाया है और लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे हैं। लेकिन मैं इसको पहना के बता देती हूँ कि किस तरह से पहनाते हैं और कैसी लगेगी हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो देखिए इस तरह से हम पहनाएंगे कोटी को, देख सकते हैं आप दोनों हाथ पूरे कवर हो गए हैं, पीछे से भी पूरे लग गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। हाथ बाजू थोड़ी बड़ी हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे हैं। तो देखिए कोटी किस तरह से लग रही है आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेरे पास घेरा भी ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन दूसरे कलर का है, तो इस पे बहुत ही अच्छा लगेगा येलो कलर का घेरा। तो देखिए चोली पहनाने के बाद हम घेरे को पहनाते हैं, तो इस तरह से पहनाते हैं। घेरा भी मेरा बड़े लड्डू गोपाल जी इनके साइज का बनाया हुआ है। तो देखिए इनके घेरा भी बड़ा है थोड़ा, पर आप देख सकते हैं ग्रीन कोटी पे येलो कलर का घेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।